एनाकोंडा यानी आज के समय धरती पर एग्जिस्ट करने वाले सबसे बड़े सांपों की प्रजाति जो साउथ अमेरिका के अमेज़न फॉरेस्ट में मौजूद है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। अमेज़न के इन घने जंगलों से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर अफ्रीकन महाद्वीप के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा में एक और खूंखार शिकारी का राज चलता है और वो है जंगलों का राजा अफ्रीकन बब्बर शेर। वैसे तो सांपों का राजा एनाकोंडा और जंगल का राजा शेर अपने खुद के फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और दोनों ही अलग अलग इलाके में राज करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का कभी एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ और अगर ये मुलाकात एक लड़ाई में बदल गया तो इन दोनों में से आखिर कौन जीतता, तो इसका जवाब आज के वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। हमें सबसे पहले दोनों के आकार के बारे में जान लेना चाहिए। शेर अपने मजबूत टांगे, चौड़ी गर्दन और सर से लेकर गर्दन तक बालों से भरा हुआ एक तेज और खूंखार शिकारी है। इसके खूंखार दांत और पंजों की ताकत के बारे में तो हर कोई जानता है। ये अपने पंजों के इस्तेमाल से हाथी जैसे बड़े बड़े जीवों का भी काम तमाम कर सकता है। अफ्रीकन बब्बर शेर लंबाई में अधिकतम 8 फीट और 200 किलो तक वजनी होता है। वही अगर एनाकोंडा की बात करें तो सर से लेकर पांव तक एक जैसा ही दिखने वाली इस जीव की लंबाई 28 फीट है और वजन 270 किलो तक हो सकता है। लेकिन एक मादा एनाकोंडा मेल एनाकोंडा की तुलना में और भी ज्यादा लंबे और वजनदार होती है। यानी लंबाई और वजन की अगर बात करें तो एनाकोंडा शेर के मुकाबले काफी आगे है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहर डस कर अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाने के बदले दुश्मन को अपनी कुंडली में जकड़ कर उसकी हड्डी पसली मसल देता है। ये सांप आमतौर पर अपने से ज्यादा वजनदार और भारी भरकम जीवों का शिकार करने में दिलचस्पी नहीं रखता। एनाकोंडा अपने भारी शरीर की मदद से शिकार को कस के जकड़ लेता है और अपने शिकार द्वारा लिए गए हर सांस के साथ अपनी पकड़ और भी मजबूत करता जाता है। मानो कि आप एक एनाकोंडा की पकड़ में हो और जैसे ही आपकी सांस चलेगी और आपकी छाती हवा निकालने के दौरान सिकुड़ सा जाएगा, ठीक तभी एनाकोंडा आपकी छाती पर अधिक दबाव डालेगा, जिस वजह से अगली बार सांस लेते समय आप अपने छाती को पहले जितना नहीं फुला पाएंगे और इसी के चलते आप बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन ले सकेंगे। दोबारा आपकी सांसें छोड़ने पर एनाकोंडा की पकड़ और भी शक्तिशाली हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप सांस ही नहीं ले पाएंगे और वहीं पे आपकी जान चली जाएगी। और इसी तरह एनाकोंडा अपने शिकार को खत्म करता है। एनाकोंडा अपने शिकार के विंड पाइप पर 90 पाउंड पर इंच के हिसाब से लगातार प्रेशर डालता है। इस तरह उसका विंड पाइप और रिब केज तोड़कर उसे मसल देता है। शिकार को दम घोट के मारने के बाद ये अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। ये ज्यादातर समय पानी के अंदर रहना पसंद करता है और शिकार को हमेशा पानी के अंदर घसीट के ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि पानी के अंदर एनाकोंडा से बच पाना बिल्कुल ना के बराबर है। पानी में एनाकोंडा का प्रेशर और सांस लेने की दिक्कत के चलते शिकार बड़ी जल्दी ही अपना दम तोड़ देता है। वही दूसरी तरफ एनाकोंडा पानी के अंदर 20 से 30 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता है। इसी एडवांटेज के कारण एनाकोंडा हमेशा पानी के पास आने वाले जीवों का शिकार करने के लिए बेताब रहता है। वही अगर शेर की बात करें तो ये अपने 30 नुकीले दांत और चाकू से भी शार्प पंजों से 1000 किलो वजनी जंगली हाथी या भैंस को भी अपना शिकार बना सकता है। शेर के काटने की शक्ति 600 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है और शेर के जबड़े में जो कैनाइन टीथ मौजूद है उसकी लंबाई 3 इंच तक होती है, जिससे ये शिकार के गर्दन पर हमला करके उसे मार डालता है। इसके अलावा शेर अपने ताकतवर पैर से शिकार के पेट को चीर सकता है। और तो और शेर को तेजी से हमला करने वाले फुर्तीले शिकारी का दर्जा दिया गया है। मगर शेर लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह पाता, तो अगर शेर पानी पीने के लिए किसी नदी के पास जाता है और उस समय एनाकोंडा शेर पर हमला करके इसे पानी के अंदर घसीट कर ले जाता है, तो उस समय शेर के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। पानी के अंदर एनाकोंडा शेर को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन जहां एनाकोंडा पानी के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वही शेर भी जमीन पर उतना ही ताकतवर हो जाता है। अगर कोई एनाकोंडा शिकार ढूंढते हुए किसी जंगल या मैदान में आके शेर पर हमला करने की कोशिश करता है, तब शेर के सामने एनाकोंडा नहीं टिक पाएगा और खुद को बचाने के लिए वहां से भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वही एनाकोंडा भारी शरीर की वजह से केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही पकड़ पाएगा। जैसे जैसे एनाकोंडा शेर को पकड़ने की कोशिश करेगा, शेर अपने पंजों में बने नाखून से एनाकोंडा के स्किन को चीर देगा और अपने दांतों से एनाकोंडा की गर्दन को काटना शुरू करेगा। ऐसा कई बार करने के चलते एनाकोंडा वहीं पर खत्म हो जाएगा और फिर शेर के झुंड आके एनाकोंडा का चिकन डिनर कर लेगा। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि एनाकोंडा और शेर की लड़ाई में कौन जीतेगा वो सिर्फ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर लड़ाई पानी के बहुत करीब या अंदर हुआ तो उस केस में एनाकोंडा ही जीतेगा। लेकिन अगर यही लड़ाई जमीन पर हुई
तो तब उस केस में शेर ही जीतेगा। लेकिन आपके मुताबिक इन दोनों जानवरों की लड़ाई में आखिर कौन जीतता, इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।